बिहार झारखंड के लोगों का इंतज़ार अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। दरअसल पटना और रांची के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत बहुत ही जल्द होगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो ट्रायल रन था वो सफल रहा और उसके बाद अब यह तिथि भी घोषित होगी कि किस दिन उस ट्रेन के उद्घाटन होंगे और कब से यात्रा लोग उसमें कर पाएंगे। लेकिन सबों का जो इंतज़ार है, जो लोग जानकारी चाहते हैं, वो है कि इस ट्रेन के किराए क्या होंगे। तो हम ये बता दें कि जो जनशताब्दी एक्सप्रेस में सफ़र करते थे लोग चेयर कार एसी में, उससे 170 रुपये अधिक होंगे, यानी कि 820 रुपये जो है वो चेयर कार के किराए होंगे और एग्जीक्यूटिव क्लास जो है उसमें 1760 रुपये किराए देने होंगे अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस से सफ़र करना चाहते हैं। दरअसल इस ट्रेन की जो दूरी तय करने के समय हैं वो लगभग 6 घंटे तय किए गए हैं, लेकिन ट्रायल में 15 मिनट पहले यह ट्रेन जो है रांची जंक्शन पहुंच चुकी थी। जिस दिन इस ट्रेन की शुरुआत हुई यानी कि ट्रायल रन हुआ, उस दिन 5 घंटे 45 मिनट में ही पटना से रांची तक का सफ़र इस ट्रेन ने पूरा किया। ऐसे में 6 घंटे जो है फिलहाल पटना से लेकर के रांची की दूरी को तय करने का समय जो है निर्धारित किया गया है। नया रूट है ये ट्रेन जो है, पटना, जहानाबाद, गया, बरकाकाना, हजारीबाग रोड टाउन, मेसरा, टाटी सिलवे, नामकुम होते हुए रांची स्टेशन तक पहुंचेगी। तो कम समय में लोग सफ़र करना चाहते हैं तो ऐसे में वंदे भारत जो है वो एक बेहतर ऑप्शन होगा लोगों के पास। एक तरह से लोग कम समय में हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं पटना से रांची आने के लिए, अब उससे थोड़े ज़्यादा समय जो है लगेंगे, यानी कि 6 घंटे में लोग पटना से रांची तक का सफ़र तय कर लेंगे। फिलहाल अभी जो ट्रेनें चल रही है वो लगभग 8 घंटे में कम से कम तय कर रही है दूरी, जैसे कि जनशताब्दी एक्सप्रेस 8 घंटे में पटना से रांची की दूरी को तय कर रहा है। 14 घंटे तक दूसरे ट्रेनों को भी लग रहा है। ऐसे में जो अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं उससे यह लेस जो 8 बोगी वाली ये ट्रेन है वो रांची पटना के बीच बहुत जल्द ही शुरुआत होने वाली है। उस तिथि की घोषणा जल्द ही होने वाली है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है, जो किराए तय होने वाले हैं वो यही है कि चेयर कार में अगर आप सफ़र करेंगे तो 820 रुपये देने होंगे और एग्जीक्यूटिव क्लास के चेयर पर अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो फिर उसमें आपको 1760 रुपये देने होंगे। तो जनशताब्दी एक्सप्रेस से लगभग चेयर कार के 170 रुपये के करीब जो है ज़्यादा लोगों को इसमें देना होगा, लेकिन समय जो है लगभग 2.25 घंटे कम लगेंगे। तो ऐसे में अब जो लोगों का इंतज़ार है वो बहुत जल्द ख़त्म होगा, क्योंकि पटना और रांची के बीच की दूरी जो है वो कम होने वाली है, यानी कि समय कम लगेगा, दूरी उतनी ही है। उस दूरी को तय करने में जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो कम समय लगाएगी। तो यह तोहफा जो है जल्द ही बिहार झारखंड के लोगों को मिलने वाली है। अपने सहयोगी प्रियांशु के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप रांची।